मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, कहां तक हूं, कब तक हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि मेरे लिए काफी तुम थी और आज भी तुम हो। कहीं जरूर मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे बाद कोई और औरत नहीं आएगी। दर्द मोहब्बत तुमसे मिला है, जीना नहीं आसान। तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। दर्द मोहब्बत तुमसे मिला है, जीना नहीं आसान। प्यार के वादे झूठे सारे, तुमको तुम खाना खा लो आराम से, मैं बैठ ठीक कर देती। नहीं लगाया तुमने? लगा दिए। मुझे तो नजर नहीं आ रही। तुम यहीं सो के। क्या है ये? देखो मैं ना एक बहुत ही जिद्दी, खुदगर्ज और शक्की लड़की। मजाक कर रहा था तुम? मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी। बहस करने का तो बिल्कुल फायदा नहीं है, तुम अपनी नींदें और जिंदगी दोनों हराम करोगे। मैं आइंदा यहाँ नहीं सोऊंगा, ये जगह मेरी होगी। कहा ना, चुप करके सो जाओ। इस तरह नींद नहीं आएगी मुझे। अच्छा इधर आ। लेटो लेटो, कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। दूर दराज पहाड़ों में एक लड़का और एक लड़की रहा करते थे। लड़का बहुत डेयरिंग था और थोड़ी बहुत लड़की भी। एक दिन उस लड़के ने उस लड़की को अपनी जीप में छुपकर बैठते हुए देख लिया और उसे फिर ढूंढते ढूंढते कुछ बच्चे उसके पीछे आए। वो लड़की वहीं छुपी थी। फिर क्या हुआ कि एक लड़का जो कि विलन था, वो उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उस लड़की की जीप तक जा पहुंचा। जब वो जीप पे पहुंचा, उस लड़के को पहले से ये बात पता थी कि वो लड़की उसकी जीप में। उसने उसे ऐसे प्रोटेक्ट किया जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज हो। बहुत मार खाई दूसरे लड़के ने। उस लड़की की तो कमीज फट गई, लेकिन जो विलेन वाला लड़का था ना, उसके तो नाक से उसने खून ही निकाल दिया। बस उस दिन के बाद से जब वो हीरो कहीं भी कोई डेयरिंग काम कर रहा होता था ना, अक्सर वो लड़की वहां पहुंच जाती। उसकी हर डेयरिंग काम की वीडियो उसके फोन में सेव होती थी जब तक उसका फोन उसके पास। फिर एक दिन उस लड़के ने एक और डेयरिंग हरकत करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ बांधे और दरिया में छलांग लगा दी, जहां सारे तमाशाई बस ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वो हीरो ऊपर आ जाए, भले जिंदा हो या लाश। वहां वो लड़की बस यही दुआ कर रही थी आंखें बंद करके कि किसी तरह बस ये ऊपर आ जाए जिंदा, उसकी जान सलामत। उस दिन से उनका रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर चलना शुरू हो गया।
उस दिन के बाद से हीरो को अपना महाफिस समझना शुरू हो गई। वो लड़की उस हीरो को अपना सरबरा, अपनी पनाह, अपना साहिबा, अपने सर की छत सब समझ बैठी। और आज भी जब वो सोती है ना तो सुकून की आगोश में सोती है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन उस हीरो से ही मिलती है।